ई शिक्षा कोच पोर्टल के ऊपर छात्रों एवं शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार की शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोच पोर्टल को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रही है। इसके क्रम में जहां ई शिक्षा कोच पोर्टल पर तमाम शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का 100% निर्देश दिया गया है, तो वहीं 100% छात्रों का नाम भी ई शिक्षा कोच पोर्टल पर एंट्री होने का दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन इसी क्रम में कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो तमाम छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पहले कि इन सुविधाओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ई शिक्षा कोच पोर्टल पर तमाम छात्रों के लिए राहत के संबंध में शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ी राहत इस रूप में दी है कि अगर शिक्षकों का मोबाइल नंबर, उनकी कोटि और श्रेणी और अध्यापन विषय में ई शिक्षा कोच पोर्टल पर त्रुटि हो गई है तो शिक्षकों को 24 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक यह अवसर प्रदान किया गया है कि तमाम शिक्षक अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसमें सुधार कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पहले से ई शिक्षा कोच पोर्टल पर शिक्षकों का नाम दर्ज है, जिसके आधार पर शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस भी बनाना पड़ रहा है। अगर कोई शिक्षक का मोबाइल नंबर उसमें गलत हो गया है या फिर कोई शिक्षक अपना मोबाइल नंबर बदलना चाह रहे हैं या फिर शिक्षक उनकी श्रेणी में कोई गलती हो गई है, यानी शिक्षक किस श्रेणी के शिक्षक हैं, 1-5 के हैं या फिर 6-8 के हैं या फिर माध्यमिक है, इसमें कोई त्रुटि हो गई है या फिर शिक्षक कौन से विषय का अध्यापन कराते हैं विद्यालय में, उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई है तो शिक्षक द्वारा अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उसे लॉगिन करते हुए खुद ब खुद सुधार किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, सिर्फ बसिर्फ 24 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक ही वक्त दिया गया है। तमाम शिक्षक जिनमें त्रुटि रह गई है यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, छात्रों के लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोच पर उनके नाम की एंट्री में बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। उसके अंतर्गत छात्रों के नामों की एंट्री में जहां आधार सीडिंग की आवश्यकता पड़ती थी और जिस कारण विशेष रूप से प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा था, बार बार शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाध्यापकों को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा था कि हर हाल में छात्रों के नामों की एंट्री ई शिक्षा कोच पोर्टल पर 100% करना सुनिश्चित करें। परंतु प्रधानाध्यापक द्वारा जब आधार की समस्या आती थी उस वक्त प्रधानाध्यापक काफ़ी उदासीन दिखते थे कि आखिर हम निर्धारित अवधि में कैसे इन छात्रों के नामों की एंट्री ई शिक्षा कोच पोर्टल पर कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने तमाम प्रधानाध्यापकों को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने राहत के संबंध में तमाम छात्रों के नामों की एंट्री में अब आधार सीडिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी फिलहाल ई शिक्षा कोच पोर्टल पर अगर छात्रों के नामों की एंट्री की जाती है उस वक्त अगर छात्रों के पास आधार नहीं है उसके बाद ही उनके नाम की एंट्री जरूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर तमाम छात्रों को अपना अपना आधार सीडिंग अवश्य करा लेना होगा। यानी वर्तमान में ही सिर्फ सिर्फ नामों के एंट्री में ही राहत प्रदान की गई है लेकिन छात्रों को आधार से राहत प्रदान नहीं की गई है। हर हाल में छात्रों को 1 महीने के अंदर आधार जरूर देना होगा, तभी शिक्षा विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। उसका मुख्य कारण है दोस्तों कि शिक्षा विभाग एक छात्र का नाम एक ही विद्यालय में नामांकित होना देखना चाहती है। अभी वर्तमान में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसमें कई ऐसे छात्र हैं जिनका नाम प्राइवेट विद्यालय में भी है और सरकारी विद्यालय में भी है। ऐसे में शिक्षा विभाग अपना कदम बढ़ाते हुए यह जांचने में लगी हुई है कि आखिर वास्तविक छात्र कितने हैं जो बिहार में नामांकित है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही छात्र कई विद्यालयों में नामांकित होते हैं और इस तरह से छात्रों के आंकड़े अधिक दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों, राहत प्रदान करने के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा इसलिए भी आधार के संबंध में राहत प्रदान की गई है कि वर्तमान में आधार बनाने की प्रक्रिया तो चल रही है क्योंकि निजी संस्थान द्वारा आधार बनाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है और प्रतिदिन 1 सेंटर को 100 आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है और निजी सेंटरों द्वारा ये लक्ष्य पूरा भी किया जा रहा है। परंतु आधार बनाने के क्रम में बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए आधार बनाने हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और उसमें भी वैसे जन्म प्रमाण पत्र जो हस्तलिखित नहीं निश्चित रूप से ऑनलाइन द्वारा बनाया हुआ जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उसी को आधार सेंटर द्वारा मान्य करार दिया जाता है और उसी के आधार पर आधार बनता है। परंतु वर्तमान परिस्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि छात्रों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ आप सभी को मालूम होगा कि वर्ष 2023 में ही इस बात का प्रावधान कर दिया गया था कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा ही जिले भर के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, और ऐसे में जब एक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे तो जिले भर के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र आखिर कैसे ससमय निर्गत किया जा सकता है। इसको देखते हुए जिला स्तरीय सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अलग अलग पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और एक पदाधिकारी को कई ऐसे प्रखंड या फिर नगर परिषद क्षेत्र दिया गया है जहाँ साप्ताहिक बैठते हुए वहाँ के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि एक पदाधिकारी को एक प्रखंड में एक दिन ही मौका मिल पाता है जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इस कारण से विलंब हो रही है और वहीं कोई भी कार्यपालक पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर पंचायत स्तर के पंचायत सचिव द्वारा अब जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आधार सीडिंग में ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब राहत प्रदान कर दी गई है तो निश्चित रूप से छात्रों और प्रधानाध्यापकों के लिए हर हाल में यह एक अच्छा अवसर के रूप में देखा जाएगा। वहीं दोस्तों, ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया पर अब शिक्षा विभाग बहुत सख्त हो गई है और शिक्षा विभाग द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि 6 लाख शिक्षकों में से अभी वर्तमान में 67,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस नहीं बनाया जा रहा है। आखिर शिक्षा विभाग उन शिक्षकों को ढूंढने में लग गई है कि ये कौन से शिक्षक हो सकते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या फिर एक शिक्षक का नाम डबल एंट्री हो गया है या फिर वैसे शिक्षक है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो शिक्षा विभाग अब इन शिक्षकों के नाम ई शिक्षा कोर्स से हटाने जा रही है, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वास्तविक शिक्षक कितने हैं जिनके द्वारा ई शिक्षा कोर्स पर प्रतिदिन अटेंडेंस नहीं बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा इन बिंदुओं पर ध्यान देने का अर्थ हुआ कि शिक्षा विभाग शिक्षकों पर नकेल कसने जा रही है कि प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना होगा और ऐसा नहीं करने के एवज में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि नेटवर्क या फिर लोकेशन के क्रम में भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के क्रम में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार और शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर अवश्य सोचना पड़ेगा और जरूर सोचेगी कि आखिर वैसे भी कुछ शिक्षक हो सकते हैं जिनके द्वारा पोर्टल त्रुटि के कारण अटेंडेंस नहीं बनाया जाता है। आखिर देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा इन बिंदुओं पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या राहत प्रदान की जाती है। वहीं दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2 के दौरान तमाम अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप सभी को मालूम होगा कि 23 अगस्त 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन किया जा रहा है। जहां प्रथम दिन 23 अगस्त को परीक्षा का आयोजन हुआ था, वहां शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि मामूली सी परीक्षा कहते हुए काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसके कारण शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षकों ने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा शिक्षकों को परेशान कर रहा है जिसके कारण शिक्षकों का हाथ माउस पर थम ही नहीं रहा है, जिस कारण उन्हें प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय लग रहा है। शिक्षकों ने कहा है कि इससे बेहतर होता कि ऑफलाइन परीक्षा ही आयोजित किया जाता। फिर भी कुछ शिक्षकों का कहना है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा शिक्षकों के हित में है और निश्चित रूप से हम सभी तैयारियों के साथ परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। भले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रश्नों का संकलन काफ़ी हाई लेवल का बनाया गया था, परंतु हम लोगों की तैयारी हमारी सफलता सुनिश्चित कराएगी। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों की नज़र चेहल्लुम की छुट्टी पर थी, परंतु एक बार फिर से बिहार के शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 20 अगस्त 2024 को चेहल्लुम का पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व में शिक्षकों को छुट्टी होनी चाहिए थी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को समंजित नहीं किया गया है और 24 अगस्त को तमाम शिक्षक अपने अपने विद्यालय में मौजूद रहेंगे। वहीं कई जिलों द्वारा कोर्ट में छुट्टी संबंधी पत्र एक वायरल हो रहा है, जिसे कई शिक्षक विद्यालय में छुट्टी समझ रहे हैं। बताते चले कि बिहार के लगभग सभी जिलों में कोर्ट की छुट्टी 24 अगस्त को दी गई है और यह छुट्टी सिर्फ कोर्ट के कर्मियों पर ही लागू होता है, जिसे शिक्षक द्वारा विद्यालय की छुट्टी में सम्मिलित नहीं किया जाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करें और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।